दोस्तों मैं 8:30 बजे ड्यूटी गया था शाम को। अभी बज रहा है 1:12, ये सऊदी अरब में 1:12 हो रहा है, इंडिया में 3:45 हो रहा है। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, सुबह ऑफिस की ड्यूटी नहीं है इसलिए ये लोग जो है मूवी देखने चली गई थी। मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों अभी रात के 1:33 हो रहा है और मैं तकरीबन अपने रूम पे 1:10 पे आ गया था। आप लोग को वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। अभी मैं खाना पीना खा लिया हूँ। खाना पीना खाने के बाद में मैं जो है आवाज़ भी बहुत अच्छी निकल रही है। मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि मैं खाना खा लिया हूँ। अभी इंडिया में 4 बज रहे हैं, अभी वहाँ तो उठने का टाइम हो रहा है, लोग उठ के नमाज़ पढ़ेंगे, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं लुल्लू हाइपर मार्केट, हम और बोलू भाई आगे आगे मुन्ने भाई हम। दोस्तों मैं रात में बहुत लेट आया था, तकरीबन अपने रूम पे 1:15 पहुंचा हूँ। लोग मूवी देखने गए थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूँ इमरान। इमरान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज मेरी ऑफिस की ड्यूटी नहीं थी। ये लोग रात में लेट आए थे और मुझे पहले से बता दिए थे कि ऑफिस की ड्यूटी नहीं है। अभी मैं सो के उठा हूँ, अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। ड्यूटी नहीं है तो आज मेरे रूम पे भी बहुत काम है, मैं अपने रूम का ही काम कर लेता हूँ। मैं कल शाम को ही कपड़ा भिगो के रखा था, कपड़ा नहीं धुला हूँ, कपड़ा धुलना है अभी, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन अभी नहीं है तो हाथ से धुलना पड़ता है। और अपने रूम की सफाई भी करना है, टाइल वाइल थोड़ा काली हो गई है, उसको क्लोरोक्स डाल के साफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है, आप लोग वीडियो में बने रहना। दोस्तों अभी फ़ोन रूम में आ गया, मैं जा रहा हूँ इन लोग को नाश्ता लाने के लिए, क्योंकि आज ये लोग ड्यूटी तो गए नहीं हैं, सब घर में ही हैं। सब क्या वही मतलब इसकी मतलब घर में ही रहती है और जो ऑफिस वाली मैडम है वो ऑफिस नहीं गई है। अभी रूम में फ़ोन की, बोली जाके नाश्ता लेके आओ। नाश्ते में वही लेके आना है फूल और तमीज़। तो फूल और तमीज़ की तो वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि पहले तो बना चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बनाना है। दोस्तों इनके यहाँ नाश्ता लेकर आ गए हूँ अभी गाड़ी में, अभी जाके तुरंत इनके घर पे देना है। आप लोग को गेट के सामने दिखाता हूँ कैसे ये लोग आके लेते हैं नाश्ता। ये है दोस्तों मुझे ये जो है टायर सब जो है काली पड़ गई है इधर, ये दाग बहुत पड़ा हुआ है सब, इसको जो है केमिकल डाल के सब जो है क्लोरोक्स पूरा सफाई करना है। अभी चल रहा हूँ साफ करने, आज ड्यूटी नहीं है, सब साफ कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। दोस्तों पैर में जो है प्लास्टिक का चप्पल पहन लिया हूँ, नहीं तो जो है टायर्स के साथ साथ मेरा जो है पैर भी साफ हो जाएगा। पहले तो ये जो है निरमा पाउडर डाल देता हूँ इधर, उसके बाद में फिर ये क्लोरोक्स डाल के और पानी डाल के अच्छे से ब्रश से इसको जो है रगड़ना है। डालने जा रहे हैं क्लोरोक्स, और इसमें यहाँ पे जो है वो पानी का जो है बॉटल पड़ा रहता है, पानी गिरते गिरते ये सब जो है टाइल काली पड़ गई है, काफी दिन दिन हो गया था जो टाइल धुल के। आज ड्यूटी नहीं है तो मैं सोचा कि कम से कम जो है रूम की सफाई कर दूं, अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों अभी इसमें निरमा पाउडर और ये क्लोरोक्स जो केमिकल है पूरा डाल दिया हूँ, पानी भी डाल दिया हूँ, थोड़ा 5 मिनट रुक जाएंगे, उसके बाद में फिर ब्रश से रगड़ के पूरा साफ करेंगे। दोस्तों अभी जो है ब्रश से रगड़ रहा हूँ, साफ तो हो रहा है लेकिन पहले इधर अलमारी पड़ी थी उस पर जंग लगा हुआ है, वो नहीं साफ हो रहा है। दोस्तों ये केमिकल का इतना तेज बास मार रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, साफ करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा ये जोरों से जो है बास मारता है। दोस्तों हम इधर हाउस ड्राइवर को फुर्सत नहीं मिलती है, इनकी ड्यूटी करो, इनकी ड्यूटी करने के बाद में फिर जो अपना काम है वो करो करो। रात में 1:30 बजे आया था, सुबह सो के उठा हूँ, उसके बाद में नाश्ता किया, फिर कपड़ा की धुलाई किया, अभी रूम की सफाई कर रहा हूँ। इससे पहले इनका नाश्ता लेके आया था, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, फ्री नहीं रहते हैं। यहाँ से पानी का बॉटल सब हटा दिया हूँ, एक बॉटल दे दिया अंदर पानी भरने के लिए, तो गैस बॉटल ऊपर रख दिया हूँ, इसको जो है अच्छी से सफाई कर रहा हूँ। उम्मीद है कि साफ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो दीवार के साइड का है वो नहीं हो रहा है।
एक बार में नहीं होगा दोबारा हो जाएगा, होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों अभी तो साफ कर दिया हूँ वाइपर, जो से पानी खींच रहा हूँ, इधर से जो है पानी निकलने की जगह भी नहीं है, पानी ऐसे उलझना पड़ेगा अंदर बाथरूम में। दोस्तों अभी पानी उलझ दिया उलझ लगाया बाथरूम में, अभी वाइपर में कपड़ा बांध के उसको जो है सुखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लोरोक्स का झाग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जो सुखाना पड़ेगा। आज दिन भर रूम में बैठना बहुत बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। दिन भर रूम में कैसे रहेंगे वो तो मुझे ही पता है। दोस्तों अभी रूम साफ़ कर दिया हूँ, लेकिन अभी कहीं कहीं दाग पड़ा है, और ये पानी का दाग है, एक बार में नहीं साफ़ होगा, ये दोबारा साफ़ होगा। दोस्तों इधर ये हुक्का रखा हूँ, बस शौक से रखा हूँ, बाकी मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पीता ही नहीं हूँ। इधर सब जो है गैस सब सेट कर दिया हूँ। दोस्तों मैं अपने रूम की सफाई कर दिया हूँ, उसके बाद मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ, क्योंकि ड्यूटी तो फ़िलहाल नहीं लगेगी, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है, फ़ोन लग आ जाता है तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। वैसे अभी ड्यूटी नहीं है, असर के बाद ही उम्मीद है ड्यूटी की। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, 4 बजे के बाद में अगर ड्यूटी नहीं लगती है रूम पे रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है गाड़ी की सफाई करेंगे, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। अभी इधर मदरसे का छूटने का टाइम हो रहा है, इधर मैं चावल भिगो के रख दिया हूँ, अभी थोड़ी देर में चावल बना लेंगे, सालन तो कल का ही है, सालन नहीं बनाना है। यहाँ पे चावल भिगो के बनाना पड़ता है, जब भिगो देते हैं 15-20 मिनट तो बहुत अच्छे से बन जाता है। दोस्तों अभी हमारी ड्यूटी लग गई है मदरसे की, मैं आया हूँ मदरसे में इधर बच्चे को लेने के लिए, साथ में मैडम की माँ आई है, आ रही है, यही वाली है। दोस्तों मेरी ड्यूटी मदरसे में के लिए लग गई थी, वो बच्चे को मदरसे से लेके आना था, तो बच्चा मदरसे से निकला, उसके बाद वो बोला कि मुझे मेरे घर पे छोड़ना है, तो साथ में उसकी नानी गई थी, बोली ठीक है चलो इसके जो घर पे छोड़ दो, तो मैं घर पे चला गया था छोड़ने के लिए। अभी अपने रूम में आ चुके हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ लुल्लू हाइपर मार्केट, ये मुन्नी भाई आए हैं गाड़ी लेके खड़े हैं, हम लोग इन्हीं के साथ में जा रहे हैं, मैं भोलू भाई अहमद सब कोई। वो पूछिए तो भोलू भाई कहाँ चल रहे हो भाई? भाई चल रहे हैं लुलु मार्केट। हाँ। मुन्ने भाई को जो है घर पे मोबाइल भेजना है इंडिया। हाँ। उन्हीं को जो है मोबाइल दिलाना है। अच्छा तो चल रहे हैं वही मार्केट में, देखा जाएगा कौन सा मोबाइल बढ़िया है, तो हमारे मुन्ने भाई भी साथ में है, चश्मा लगाए हुए है, यही मुन्ने भाई है गाड़ी चला रहे हैं, और हमारे अहमद भाई वालेकुम सलाम। बाकी हम तो मोच वाले है ही है, हमको तो सभी जान रहे हैं। मुन्ने भाई को टेक्नो का मोबाइल ज्यादा पसंद है। हाँ मुन्ने भाई को टेक्नो का पसंद तो है, लेकिन वो एक मोबाइल लेने के लिए हम 3 लोग को लेके जा रहे हैं, है ना? और जब 2-3 लोगों का दिमाग किसी चीज में लगता है तो वो अच्छा होता है, इसीलिए मुन्ने भाई 3 लोग को लेके जा रहे हैं। मशवरे में बरकत है भाई। हाँ मशवरे में बरकत है, ये बात तो सही है। नहीं मशवरे में बरकत तो है, लेकिन कभी कभी जब 3-4 दिमाग रहता है तो उसमें जल्दी पसंद भी नहीं आता है, ये भी बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ। सुनो सबकी करो अपने मन की। हाँ। लेना हमको है तो पैसा हम लगाएंगे। हाँ, सुनेंगे सबकी, जो मुझे पसंद होगा ले लेंगे। लेकिन कभी कभी भी जब सामान ज्यादा रहता है तब भी नहीं पसंद आता है ना, उसमें ये मार्केट है, मार्केट में सामान ज्यादा रहेगा रहेगा। अरे मसला यही है कि गन्ने के खेत में घुस जाओ तो पता नहीं लगता कौन सा गन्ना तोड़े। असल किसान को मालूम होता है गन्ना कौन सा मीठा होगा। हाँ वो तो सही है, वो तो बात बराबर है कौन सा मीठा होगा, लेकिन फिर भी आदमी उसी में सोचते हैं यार, सब गन्ने तो एक जैसे है, कोई भी तोड़ लो, और सब गन्ने एक जैसे होते नहीं है। नहीं नहीं वो किसान को पता है कि कौन सा गन्ना हमारे चूसने के काबिल है और कौन सा जो है मशीन में डालने के काबिल है। ये बात सही है, समझे कि नहीं? बिल्कुल। ये हमारे फूलू भाई आ रहे हैं सामने से। मोबाइल ले लिए? हाँ मोबाइल ले लिया भाई। आप तो दिलाओगे हम ले लेंगे। यहाँ सब अपने अपने सामान के लिए है भाई, जिसको जो लेना है वो ले लीजिए, अभी टाइम है। हमको नहीं लेना है भाई, सिम ही मिल जाएगा, सिम लेकिन 4 बजे के बाद मिलेगा। कौन सा सिम लोगे? सलाम की। सलाम का सिम चाहिए। जो है लुल्लू मार्केट में है, ये इधर LED पूरा लगा हुआ है टोटल, इधर इलेक्ट्रिक सामान है।
भाई ये लुलू मार्केट में ये ठंडी का सामान भी पूरा लगा हुआ है, ठंडी आ रही है। इधर ये जूता है, शूज पूरा लगा हुआ है सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले भाई? इधर लगा ये नाइक का शूज, इधर भोलू भाई, मुन्ने भाई, अहमद भाई सब पसंद कर रहे हैं चप्पल। ये आगे आगे भोलू भाई, अहमद भाई सब जा रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है इन लोग को, मालूम नहीं कहाँ पसंद आएगा। उसका मुन्ना भाई, मुन्ने भाई देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। 29 रियाल में है लेडीज पर्स। इधर भी है, ये बच्चों का कपड़ा लगा हुआ है। बोलू भाई पसंद नहीं आ रहा है शायद। स्वेटर में 50% डिस्काउंट है लुलू हाइपर मार्केट। क्लियर भी लगी हुई है। इधर टोटल बच्चे का सामान है सारा। इधर जेंट्स कपड़ा लगा हुआ है। इधर कोट ये बहुत अच्छी अच्छी लगी है। इधर शर्ट है। इधर ये बच्चों का टॉयस, बच्चों का खेलने का सामान है। इधर बोलो भाई पसंद आ गया क्या आपको? पसंद आ गया? चेक कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये कितने का है? ये इसमें भी 50% डिस्काउंट है। इधर जितने भी लगे हुए हैं सब में 50% डिस्काउंट चल रहा है भाई। ये लुलू हाइपर मार्केट में है भाई, आप लोग जहाँ भी अपने अपने पास वो लुलू मार्केट देख लीजिए। भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं अभी। बोलो भाई बहुत खुशी हो यार। मुन्ने भाई बोले मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं बोला जाओ, बोले मैं जितना ऊपर जाऊँगा उतना नीचे आ जाएंगे दोबारा। हाँ, ये बोलो भाई आ गए अभी नीचे। बोलो भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। क्या तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बस दवा खा के चल रहे हैं। दवा खा के चल रहे हो? हाँ, दवा से गुजारा हो रहा है आज। चार दिन पे तो निकले हैं रूम से। हाँ सही है। बोलो भाई क्या खरीद रहे हो भाई? ये देखिए भाई, मैं मार्केट में आया हूँ। हाँ, ये सेब हरा वाला खरीदने के लिए। और ये आपका जो है शिमला मिर्च, लेकिन इसको मत लेना भाई, ये कोई खा चुका है। हाँ यार कोई बच्चा खा चुका है इसको। सही से दिखा रहा हूँ, कोई बच्चा इसको खा चुका है। बोलो भाई दिखाओ। कोई बच्चा इसमें दांत लगा चुका है। दोस्तों भी हम लोग गए थे लुलू हाइपर मार्केट, वहाँ से मुन्ने भाई को एक मोबाइल लेना था, वहाँ से मोबाइल ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग अपने रूम पे आ गए। दोस्तों आज मुझे अपने रूम का काम करना था, साफ सफाई हो गया अच्छे से। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।